बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस न सिर्फ शानदार एक्टिंग करती हैं, बल्कि उनमें से कई बिजनेस वुमेन भी है। ये एक्ट्रेस अपने साइड बिजनेस से करोड़ों रुपए की कमाई भी करती हैं। इस लिस्ट में कृति सेनन से लेकर अनुष्का शर्मा का नाम तक शामिल है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जो शानदार एक्टिंग के अलावा बिजनेस भी करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का। सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में अपनी बहन नुपुर के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। उनके इस प्रोडक्शन हाउस का नाम है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृति सेनन के प्रोडक्शन हाउस का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से भी बताया जा रहा है। कृति ने अपने प्रोडक्शन हाउस के लॉन्च के साथ इसके अंडर फिल्म की अनाउंसमेंट भी की है। इस फिल्म का नाम दो पत्ती है और इसमें वो काजोल के साथ भी नजर आएंगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक ज्वेलरी ब्रांड की मालकिन भी है। इसके साथ ही सुष्मिता सेन तंत्रा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस की ओनर भी हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक्ट्रेस कई होटल एंड रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। साल 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार सुष्मिता सेन की नेटवर्थ 74 करोड़ रुपए है। अनुष्का शर्मा ने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी पहचान बनाई है। सिर्फ यही नहीं, अनुष्का का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। इसके अलावा वो क्लोथिंग ब्रांड की ओनर भी है जिसका नाम नुश है। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन कंपनी ने अमेजोन और नेटफ्लिक्स के साथ 400 करोड़ रुपए की डील भी साइन की हुई है। दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। दीपिका पादुकोण क्लोथिंग ब्रांड ऑल अबाउट यू चलाती हैं। इसके अलावा दीपिका द लिव लव लाफ फाउंडेशन की फाउंडर भी है। अगर बात करें दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ की तो वो तकरीबन 498 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।